हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो है एक शॉपिंग हॉल वीडियो, जो कि मैंने कुछ सामान अमेज़न से परचेज किया है, कुछ फ्लिपकार्ट से और कुछ मीशो से, जो कि स्टेशनरी भी है, होम डेकोर भी है एंड कुछ गार्डनिंग के टूल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो फर्स्ट आइटम है ये है फ्लिपकार्ट से, जो कि कुछ ऐसा आया था। तो ये है एक कलरिंग बुक, रिलैक्सिंग एंड कामिंग नेचर डिजाइन है इसमें, नेचर गार्डन एंड फॉरेस्ट वंडर हाउस की है ये बुक। आप देख लीजिए, डिजाइन बहुत अच्छे अच्छे हैं और शायद इसमें इसका बिल रखा है, वैसे मुझे इसके प्राइस याद है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, मेडिटेशन अच्छा होता है इससे, मतलब कि आप थोड़ा सा कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज की थी, इसका प्राइस अराउंड 150 था और ये काफी अच्छी है। मैंने इस वाले में तो शायद नहीं कर किए हैं या इसी में किए हैं, पता नहीं मैंने ये मैंने इसमें कलर कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगता है इसमें कलर करके। आप अगर थोड़ा बहुत खाली बैठे हैं तो आप इसमें कलर कर सकते हैं, अपने आप को मेडिटेशन करने के लिए अगर आप थोड़ा बहुत इसमें कलर करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत अगर आपको खाली टाइम मिलता है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। अगर आप मैं तो आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो बनाती हूँ इसलिए मैंने मंगाया था, अदरवाइज अगर आप वैसे भी इसको लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका परचेज लिंक आपको मिल जाएगा। फर्स्ट आइटम है ये, 150 इसका प्राइस था, अराउंड 150, एग्जैक्ट तो इसका 150 नहीं था और अपना प्राइस भी इसका भूल चुकी हूँ, काफी टाइम हो गया क्योंकि आए हुए। फर्स्ट आइटम है ये। अब बुक मंगा ले तो उसके लिए कलर तो चाहिए ना, कि कौन से कलर करे कौन से कलर नहीं करे उसमें, तो उसमें होते हैं। सेकंड आइटम है ये, हाँ तो ये कुछ ऐसे बॉक्स में आया था, ऐसी स्ट्राइप से ओपन हो जाता है ये, इस बॉक्स में आया था। ये भी फ्लिपकार्ट से है, फिर उसके बाद ऐसा था। प्राइस इसका है 222, 222 इसका प्राइस है। कैमल के आप देख लीजिए, कैमल के ब्रश पेन है, 24 शेड्स हैं और शेड्स का नाम है लाइट ग्रीन, ब्लैक, वायलेट, नियोन येलो, पर्पल, चेरी ब्राउन, नियोन पिंक, जेट ब्लैक, सैंडल येलो, पीच, कोबाल्ट ग्रीन, ओलिव ग्रीन, येलो, ऑरेंज, स्काई ब्लू, रेड, डार्क ब्राउन, मजेंटा, ग्रे, नियोन ऑरेंज, डीप ब्लू, डीप ग्रीन, सन रेड, टर्कोइश, ये कलर के शेड्स है इसमें। अब जब आपने ये ऐसी बुक मंगा लिया तो उसमें आप पेंसिल कलर भी यूज कर सकते हैं, वैसे तो इसमें ज्यादातर ब्रश पेन ही यूज करते हैं। देख लीजिए इसको पहले, फिर मैं ओपन कर दूंगी। ब्रश पेन ही ज्यादा यूज करते हैं और इसका प्राइस तो था आई थिंक 350, बट ये मुझको सेल में मिला था 222 का, 222 का, हाँ 222 का उसके। तो ये कुछ ऐसे ओपन होता है, ये इसकी शेड्स हैं। मैंने ओपन कर लिया क्योंकि कलर किया तो मैंने ओपन कर चुकी हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका कैसा टिप है। तो ये कुछ ऐसी इसके टिप है जो कि बहुत अच्छी है और कलर तो अच्छे हैं ही। अगर वैसे आप इसमें जब आप बुक मंगाते हैं तो आप इसमें पेंसिल कलर भी कर सकते हैं, पेंसिल कलर मेरे पे थे तो मेरे को मंगा लेते ब्रश पेन, तो मैंने कैमल के मंगवाए थे। और इसका आई थिंक 12 का सेट भी आता है, बट मुझको 24 का सेट से 24 का सेट ही ठीक लगा। वाटर कलर इफेक्ट विथ इजी ऑफ ब्रश टिप पेन, तो काफी अच्छी क्वालिटी है। सेकेंड प्रोडक्ट है ये, थर्ड प्रोडक्ट है ये, ये भी वंडर हाउस की है, मंडाला कलरिंग बुक फॉर अडल्ट्स, रिलैक्सिंग एंड कामिंग मंडाला डिजाइन, इसमें कुछ ऐसे है आप देख लीजिए। वंडर हाउस की है ये भी अराउंड 150 की मुझको मिली थी। मंडाला आज द
बहुत कुछ रिलैक्सिंग, आप इसमें देख लीजिए काफी मंडालस डिजाइन है। एक वीडियो में मैं अपनी दिखा भी चुकी हूँ कि इसमें कैसे कैसे डिजाइन है। मैंने वीडियो करी थी व्हाइट सीमेंट के ऊपर, व्हाइट सीमेंट प्रे करके मैंने बनाई थी, उसमें ये डिजाइन किए थे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज मेरी, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको होम डेकोर से रिलेटेड डीआईवाई अच्छे लगते हैं, डेकोरेशन के आइटम अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने चैनल पे उसी टाइप की वीडियो करती हूँ, कुछ क्राफ्ट हॉल भी करती रहती हूँ बीच बीच में। अगर आपको इसी टाइप की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप पुराने हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह के डिजाइन हैं, मंडाला डिजाइन इसमें है। इसको करके ये नहीं होता है कि जैसे कि हम रिलैक्सिंग फील करते हैं, अगर आपके पास खाली टाइम है तो आप उसको रिलैक्सिंग फील करेंगे। मैं बस इसका प्राइस बता देती हूँ। हाँ, मैंने कहा था ना इसका अराउंड 150 मुझे पड़ा है, बट ऐसा नहीं, 140 इसका प्राइस है। ये भी सेल में मिलती है, सेल चलती रहती है इन पे भी। तो डिजाइन काफी ऑसम है, हर कोई डिजाइन अपने आप में बहुत अच्छा है। ऐसे आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, जैसे अब काफी लोग बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में, तो वो अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं तो सोचते हैं कैसे। अगर आपको इसको करेंगे तो आपको काफी रिलैक्सिंग, कामिंग अच्छा लगेगा, इसमें कलर करके माइंड अच्छा फील होगा कलर्स करके, क्योंकि कलर्स के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो फिर आपको अच्छा लगेगा कलरफुल कर करके। तो उसी के लिए है ये बुक, ये सेकेंड बुक है मेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट आइटम से। मुझे सारे स्टेशनरी के वाले आ गए हैं, मतलब मेरे आर्ट सप्लाई सारे पहले आ चुके हैं। तो ये भी कुछ ऐसे में आए थे जो फ्लिपकार्ट के थे, वो जो बुक थी वो इस पन्नी में आई थी, और जो ये आए थे, हाँ ये भी फ्लिपकार्ट से, ये कुछ ऐसे बॉक्स में आया था क्योंकि ओपन करके मैं काफी पहले देख चुकी हूँ। और इसका प्राइस 194 था, मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये प्राइस तो इसका 330 था अराउंड, और मुझे सेल में मिला था 195 का। तो ये है आर्टिस्ट वाटर, कैमल के आर्टिस्ट वाटर कलर केक्स, 24 शेड्स हैं इसमें। मेरे पे था और बट वो 12 वाला सेट था, 12 वाला सेट था, बट उसका सबसे ज्यादा मैं ट्री बनाती हूँ तो उसका ग्रीन कलर एकदम ही खत्म हो चुका था, कोई भी ग्रीन नहीं बचा था, ना टर्कोइश, ना कोई, ना ओलिव, ना नेचर ग्रीन जो होता है वो भी, कुछ भी नहीं बचा था। तो मेरे ट्री वगैरह कुछ भी नहीं बन रहे थे, तो उसके लिए मुझे एक, एक्चुअली मेरे पे पहले भी है वाटर कलर, तो उसके कुछ कलर खत्म हो चुके थे। और तो ये कुछ ऐसा है, जो कलर है इसमें पीछे लिखे हुए हैं 24 शेड्स के, इसमें कलर लिखे हैं, येलो है, ग्रीन है, उसे ग्रीन है, अल्ट्रा मैरिन ब्लू है, वायलेट है, व्हाइट है, येलो ओकर है, ब्लैक है, बर्नसिना है, क्रिम्सन है, कोबाल्ट है। 12 कलर ऐसे ही हो जाएंगे, लाइट रेड है, मैं सारे नहीं पढ़ रही हूँ एक्चुअली, तो मैं दिखा देती हूँ। बॉक्स कुछ ऐसा है, सॉरी इस पे भी देखो आप लिखा हुआ है, तो सेल में ही सही मुझको पड़ गया था बाहर के मुकाबले। अभी मैंने यूज नहीं किए थे क्योंकि मैंने सोचा पहले आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसे आते हैं, ये मैंने पहले 12 वाला यूज कर चुका है, कॉलेज टाइम से यूज करती हुई आ रही हूँ, तो उसका कोई भी ग्रीन नहीं बचा था। एक्चुअली उसमें ग्रीन दो आते हैं, एक ये वाला ग्रीन आता है और एक ये वाला सैप ग्रीन आता है, और एक ये टर्कोइश, ये दो जो डार्क शेड है वो नहीं आती है। और मेरा ग्रीन शेड कोई भी नहीं बचा था जो ट्री वगैरह के लिए, तो ऑब्वियसली बात है अगर तुम नेचर के साथ करते हो तो ग्रीन होना वो है। और मैं ज्यादातर ट्री ही बनाती हूँ, ट्री भी बनाती हूँ और चीजें भी बनाती हूँ, पर ग्रीन होना भी तो बहुत जरूरी है। तो मेरा ग्रीन खत्म हो गया था और कलर भी काफी खत्म हो गए थे, तो मैंने ये न्यू बाय किया और ये काफी अच्छा है। कैमल के साथ तो आप कोई कर ही नहीं सकते, कैमल के ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं। आर्टिस्ट वाटर कलर है केक्स। तो ये था, मुझे लग रहा है मेरा स्टेशनरी या आर्ट सप्लाईज का इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट आइटम से। नेक्स्ट आइटम है ये, ये कुछ ऐसा आया था और ये अमेज़न का बाय है। हाँ, ये अमेज़न का है, ये है कुशन कवर, ये है कुशन कवर, आप देख लीजिए। तो ये 5 का सेट है, अराउंड 144 का था इसका, 4 का प्राइस 144 था। और मैं इसको यूज भी कर चुकी हूँ, मतलब यूज करके धो भी चुकी हूँ, और ये काफी अच्छे हैं।
बट आप इसको जब भी यूज करें धो के प्रेस करके अच्छे से रखेंगे तो बहुत अच्छे रहते हैं। वैसे क्वालिटी एकदम मौसम है, पीछे वाले कपड़े की भी और आगे वाले कपड़े की। तो पीछे वाला बहुत अच्छा है, इसकी चैन ऐसा ओपन हो रखी है, चैन भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और कलर तो एकदम मस्त है। फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, थर्ड है ये, एक्चुअली ये प्रेस करके नहीं रखे ना, और फोर्थ है ये, देन फिफ्थ है ये। ये तो मेरे घर मैंने दिवाली पे मंगाए थे, एक्चुअली दिवाली पे मैंने शॉपिंग हॉल वीडियो आपको शेयर करनी थी बट ये जब तक नहीं आए थे, फिर आए थे दिवाली के बाद, तो मैंने रिटर्न नहीं किए थे क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी थी और मेरे घर में थी शादी तो मुझे कुछ डेकोरेशन करनी थी। ये वाले मुझे काफी अच्छे लगे तो मैंने शादी में ही यूज किए थे, शादी में अराउंड 15 डेज ही आराम से बिछे रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब इस पे काफी लोग सो भी रहे थे, मतलब इतने तकिए की जरूरत होती है कि सब सो भी रहे थे इस पे, तो ये काफी अच्छे चले, कोई दिक्कत नहीं आई है, सब सर्वर रख के कोई दिक्कत नहीं आई, धोके एकदम मस्त है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जब नहीं आए थे फिर बाद में आए तो मैंने रिटर्न नहीं किए। और सेकंड है ये वाले मैंने बाय किए थे जब, हाँ जब क्रिसमस आने वाला था तो मैंने ये वाले बाय किए थे। ये भी 5 का सेट है और ये कुछ 300 से नीचे थे, 250 के थे आई थिंक, ये 250 के थे। तो इसकी क्वालिटी जो बैक में जो कपड़ा लग रहा है उसका काफी अच्छा है यार, प्राइस के अकॉर्डिंग जाओगे तो वो 450 है और ये 250 अराउंड है, तो फिर थोड़ा सा तो वो हो जाता है बट उतना क्या, अगर आप अच्छे से चला रहे हो तो काफी अच्छे हैं, कुछ भी खराबी नहीं है। तो फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, थर्ड है ये और फोर्थ है ये और फिफ्थ है ये। तो इसकी क्वालिटी भी एकदम मस्त है और कुछ भी खराबी नहीं हुई है। मैं यूज करके बता रही हूँ आपको क्योंकि मैं यूज कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं इसका ओपिनियन बता रही हूँ कि काफी अच्छे हैं या नहीं है। बट हाँ पीछे से थोड़ा सा इसका सी थ्रू कपड़ा है, मतलब दिखेगा बट पीछे से अगर आप सही से चला रहे हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चैन मिल रही है, 250 में आपको 5 का मिल रहा है, क्या दिक्कत है, 50 का एक पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये काफी अच्छा है। तो ये थे कुछ होम डेकोर या होम एसेंशियल में जो यूज किए जाते हैं। और लास्ट कुछ मैंने अपने गार्डन के लिए मंगाए थे जो कि है मीशो से, ये भी पैक था बट इसकी पन्नी पता नहीं। तो लास्ट है ये जो कि मैंने मीशो से मंगवाया था, ये कुछ गार्डन के टूल्स हैं, इसकी भी पॉलिथीन पता नहीं कहाँ चली गई, यही वाली बची, इस पे लिखा है गार्डन टूल्स, सॉरी इस पे मेड इन चाइना लिखा है, वहां पे मैंने नहीं देखा था बट अब आ गए तो इतना मेरे को अच्छा लगा। सबके प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप जाएंगे तो आपको प्राइस दिख जाएंगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे प्राइस वो बता भी रही हूँ, क्या पता फिर भी प्राइस थोड़े ऊपर नीचे होते रहते, क्या पता आपको इससे भी कम में मिल जाए। तो ये है गार्डन टूल, तो इसमें मैं ओपन कर लेती फिर आपको दिखाती हूँ। तो प्राइस इतने कम है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा था ये इतना अच्छा आएगा या नहीं आएगा। देखो इतने देखने में एकदम इतने सुंदर है कि पूछो मत, प्राइस इतने कम है मैंने सोचा था ये इतना अच्छा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्राइस है 130 के अराउंड कुछ, मैंने सोचा था उसके अराउंड ये क्या अच्छा है, क्या क्वालिटी एकदम, क्या पता खराब भी हो सकती है, अच्छी मतलब ऐसे तो अच्छा आ भी सकता है नहीं भी, तो बट अच्छा जो काफी अच्छा है ये, तो इसकी एकदम क्वालिटी ऐसी है, तुम मट्टी में काम कर रहे हो, मैंने हामी प्लांट रखा है ना उसमें भी काफी अच्छी है। मैं एक को यूज करके देख चुकी हूँ, वो तो मैंने पोच लिया है क्योंकि जब आया था मैंने इसको जब भी ओपन करके पोच पाच के यूज करके पोच के रख दिया था। ये है फर्स्ट, देन ये है सेकंड, इससे मट्टी को आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये है थर्ड, एकदम क्वालिटी काफी अच्छी और देखने में तो कितने सुंदर है, मतलब इससे ऐसा लगता है कुछ भी यूज मत करो, इसको सजा लो, जैसे कि गार्डन का अगर तुम डेकोरेशन कर रहे हो गार्डन एरिया के तो उसको सजा लो, यूज मत करो, बट ऐसा भी नहीं हो सकता ना। और फोर्थ है ये, और क्वालिटी एकदम स्टडी, एकदम कहीं से ज्यादा टस मस नहीं होंगे। तो ये है मीशो के मैंने गार्डन के कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे यार, आपको 130 में, मेरे को लग रहा है 130 में ही 4 है शायद, तो अगर आपको 30 का भी एक पड़ रहा है, अगर आपको एक 30 से ऊपर का भी पड़ रहा है तो क्या बुरा है, और क्वालिटी तो एकदम अच्छी है ही, इसके साथ कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके देख लीजिएगा, क्या पता प्राइस थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, सॉरी प्राइस थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, हो सकता है
और अगर आपको मेरा थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर मेरे सामान जो मैंने मंगाया है वो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे चैनल पे कुछ ऐसे ही डेकोर के वीडियो है, अगर आपको होम डेकोरेशन करना अच्छा लगता है अपनी बनाई हुई क्रिएटिविटी से तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी, DIY मिलते रहेंगे। चैनल का नाम है प्रीति आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो, मेरे चैनल का नाम है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय बाय।